माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमें यहाँ करना है, यही करेंगे। प्रयागराज में आज अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद अतीक का परिवार जिस मकान में रहता था, आज उसे सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया गया। आज की इस कार्रवाई के बाद बाहुबली के परिवार को अपने रहने के लिए नया आशियाना खोजना पड़ेगा। शहर के चकिया इलाके में अतीक की पुश्तैनी जमीन पर करीब 3000 स्क्वायर मीटर में आलिशान मकान बना हुआ था। विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की साझा टीम आज अतीक के आशियाने को ढहाने की कार्रवाई को दोपहर 12:30 बजे से अंजाम दी है। इस दौरान मकान के आसपास के इलाकों को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस और पीएससी के साथ ही कई मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। आसपास के रास्तों को बैरिकेड कर इन पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। अतीक के परिवार के लोग कुछ सामानों को बचाने की कोशिश भी करते रहे। कार्यवाही में आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे। ये लगभग 4 बीघे के आसपास का निर्माण है और इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किसी प्रकार का भी मैप सेंसर नहीं कराया गया। पूर्ण रूप से ये अवैध निर्माण है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दाहिने साइड से 3 मंजिला बिल्डिंग है। एक एक फ्लोर को हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, ये सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि कोई भी कर्मचारी और इसमें मकान में रहने वाले किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हो। पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराने के बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। मैं दयानंद प्रसाद, सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण।